ये संवैधानिक सवाल उठते हैं, पर तब भी हमने कहा था हम इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज हुआ है कि आप धर्म के नाम पर नागरिकता देते हो। पर मेरा ये कहना है कानून बना, ठीक है, विवादित कानून था, मतभेद थे, पर कानून बना क्योंकि बहुमत उनके पास थी। पर 4 साल 3 महीने क्यों लगाए, और अब जब 1 महीना बाकी है आप इसको लागू रूल की घोषणा कर रहे हैं। एक ही मकसद है, एक ही मकसद, शैतानी मकसद है मैं कहूंगा, एक ही मकसद है कि चाणक्य की बुद्धि में यही है कि चुनाव आ रहा है, हम जनादेश खोने वाले हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान संघर्ष चल रहा है, तो इससे हेडलाइन से बचने के लिए इन्होंने सीए रूल की घोषणा की। आप लोग ये संवैधानिक सवाल उठते हैं, पर तब भी हमने कहा था हम इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज हुआ है कि आप धर्म के नाम पर नागरिकता देते हो। पर मेरा ये कहना है कानून बना, ठीक है, विवादित कानून था, मतभेद थे, पर कानून बना क्योंकि बहुमत उनके पास थी। पर 4 साल 3 महीने क्यों लगाए, और अब जब 1 महीना बाकी है आप इसको लागू रूल की घोषणा कर रहे हैं। एक ही मकसद है, एक ही मकसद, शैतानी मकसद है मैं कहूंगा, एक ही मकसद है कि चाणक्य की बुद्धि में यही है कि चुनाव आ रहा है, हम जनादेश खोने वाले हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान संघर्ष चल रहा है, तो इससे हेडलाइन से बचने के लिए इन्होंने सीए रूल की घोषणा की। आप लोग अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।